तो आज का टॉपिक है अमोनिया ब्लड टेस्ट। ये टेस्ट क्यों करते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं, और अमोनिया क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ से बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो देख लेते हैं अमोनिया के बारे में। अमोनिया यानी कि दिस टेस्ट मेजर द लेवल ऑफ अमोनिया इन योर ब्लड। इस टेस्ट के माध्यम से आपके ब्लड में अमोनिया का लेवल कितना है यह मापने के लिए टेस्ट किया जाता है। अमोनिया आल्सो नोन एज NH3 इज ए वेस्ट प्रोडक्ट मेड बाय योर बॉडी ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जो अमोनिया होता है यह आपके बॉडी में बनता है जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है, तो उसके बाद से यह एक वेस्ट मटेरियल होता है जो कि आपके बॉडी के अंदर बनता है। किससे बनता है? प्रोटीन के डाइजेशन से। नॉर्मली अमोनिया इज प्रोड्यूस प्रोसेस इन द लीवर वेयर इट इज चेंज इनटू अनदर वेस्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया। जो नॉर्मली जो यूरिया होता है यह लीवर में बनता है और वहां पे ये वेस्ट प्रोडक्ट को बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिया। यानी कि पहले अमोनिया बनता है जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और ये लीवर में जाके एक और वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है यूरिया। यानी जो यूरिया होता है वो अमोनिया से बनता है। जो नॉर्मल रेंजेस देखेंगे तो द नॉर्मल रेंजेस 15 to 45 माइक्रो पर डेसीलीटर। अब ये हम जान लेते हैं कि क्या होगा, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाई अमोनिया लेवल। यानी कि अगर अमोनिया का लेवल अगर हाई होता है तो क्या हो सकता है, तो उसमें आप देखोगे कंफ्यूजन एंड डिसोर्गेनाइजेशन, एक्सेसिव स्लीपनेस की वजह से भी आप देखोगे जो अमोनिया का जो लेवल होता है बढ़ जाता है, कंफ्यूजन की वजह से भी अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है। चेंजेस इन कॉन्शियसनेस में बढ़ जाता है, मूड स्विंग अगर आपका होता है तो उसमें भी अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, अगर हार्ट ट्रेमोर्स अगर हुआ है तो उसमें भी बढ़ जाएगा, और कभी कभी अगर व्यक्ति अगर कोमा में जाता है तो उसमें भी अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है। तो जो अमोनिया टेस्ट होता है अक्सर आप देखोगे जो IPD के पेशेंट होते हैं, यानी जो एडमिट व्यक्ति होता है, अमोनिया लेवल उनका ही सबसे ज्यादा करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको अमोनिया ब्लड टेस्ट के बारे में। वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर कर देना।